तो आज इंडियन बैंक 7-3D की सिटी में अटैक कर दिया है सायरन हेड हल्क बस्टर ने, और इसलिए आज हम लोग गॉडज़िला बनके इससे फाइट करने वाले हैं। और आज हम लोग गॉडज़िला कैसे बने और ये सायरन हेड हल्क बस्टर हमारी सिटी में कैसे आया, देखते हैं इस वीडियो में। ओके, तो अपनी जिम यहाँ पे अभी कंप्लीट हो चुकी है। अब जल्दी से भाई नीचे चलते हैं और जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। अपने को पहले शोरूम के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तो आज थोड़ा लेट उठे थे तभी लेट हो चुका है। वैसे कोई ना, अभी जल्दी से नाश्ता करके जल्दी से चलते हैं शोरूम। तो यार गाइस, ये बर्गर को जल्दी से खाते हैं एंड फिर जल्दी से चलते हैं यार। चलो यार, अपना हो गया, अभी जल्दी से भाई निकलते हैं शोरूम के लिए, और भी ज्यादा लेट हो चुका है अभी। तो जल्दी से भाई बैग लेते हैं और भाई स्टार्ट हो जाना, क्योंकि इसको स्टार्ट करने में दिक्कत होती है भाई। आओ, आज तो पहले ही स्टार्ट हो गई। वाव यार, जल्दी से अभी चलते हैं फटाफट से शोरूम। A few moments later. ये तो गाइस, अभी जल्दी से पहुंचते अपने शोरूम में। और वेट एक सेकेंड, ये बंदा और यहाँ पे एक जी वैगन पड़ी है, शायद इसकी है, और ये बंदा काफी गुस्से में लग रहा है। तो चलो यार इससे बात करते हैं, क्या सीन है देखते हैं। गाइस अभी इससे तो मेरी बात हो चुकी है, और ये बहुत गुस्से में इसलिए है क्योंकि इसकी गाड़ी ना बार बार ही बीच में ना कभी भी बंद हो जाती है यार, इसको दिक्कत हो जाती है। तो यार गाइस ये बोल रहा है कि यार देखो यार चेक करो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने इसको बोल दिया कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ और ठीक भी कर दूंगा उस प्रॉब्लम को। अभी मैं इसको बोलता हूँ तुम जाओ एंड मैं इसको भाई देख लेता हूँ, ठीक है। तो ओके यार, अभी वो बंदा गया है यहाँ से। अभी फिलहाल उसकी जी वैगन को मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इस जी वैगन में कि बार बार ये बीच में रुक जाती है। बाकी यार इसको हम लोग ठीक तो कर ही देंगे, पर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपने शोरूम के लिए स्टॉक ऑर्डर कर दिया है। मींस स्टॉक मतलब कार का स्टॉक, मींस आज हम लोगों ने काफी ज्यादा कार्स ऑर्डर कर दी अपने शोरूम के लिए, क्योंकि शोरूम पूरा खाली है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो भाई मैंने कुछ ज्यादा ही कार्स ऑर्डर कर दिए, अभी फिलहाल इन कारों को शोरूम के अंदर भी शिफ्ट करना बाकी है, तो वो तो चलो कर देंगे। बाकी एक सेकंड, ये कॉल किसकी आ रही है? हेलो, अरे सुनो फ्रैंकलिन, हमें ना कुछ तगड़ी तगड़ी कार्स का ऑर्डर देना था। क्या तुम्हारे पास तगड़ी तगड़ी कार अवेलेबल है अभी? हाँ मेरे पास सारी कार अवेलेबल है, तुम बोलो तो सही कौन सी कार चाहिए। अच्छा तो सुनो, हमको चाहिए 5 लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर और 5 मर्सिडीज जी वैगन। अच्छा 5 लैम्बो और 5 जी वैगन हो जाएगा अवेलेबल है। हाँ तो सुनो, एडवांस मैं अभी तुमको भेज रहा हूँ एंड कल डिलीवर कर देना ये सारी कार, ठीक है। ओके चलो यार गाइस, बहुत तगड़ा वाला ऑर्डर आ चुका है, आज ही हम लोगों ने ये सारी कार्स मंगाई है। मैं आपको एक बार चल के दिखाता हूँ, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे 2 लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर है जिसका हमको ऑर्डर आया है। हमको रुको यार गाइस एक सेकंड, मेरे पास 3 लैम्बोर्गिनी वहाँ पे और 2 यहाँ पे, मतलब कुल मिला के 5 लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर है। मतलब अगर हम लोगों ने एक भी लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर कम मंगाई होती तो दिक्कत हो जाती, बट ठीक है। बाकी ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास मर्सिडीज जी वैगन काफी ज्यादा है। रुको कितनी है? ओके तो 6 मर्सिडीज जी वैगन है यार, आज ही लैम्बोर्गिनी और जी वैगन आई और आज ही ऑर्डर आ गया इनका। तो चलो यार अच्छा हो गया। बाकी चलो अभी उसकी जो जी वैगन है मर्सिडीज उसको ठीक करते, देखते उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वरना वो बंदा थोड़ी देर में आ जाएगा, बोलेगा ठीक नहीं की अभी तक, तो भाई गुस्सा ही हो जाएगा अपने ऊपर। तो जल्दी से इसकी गाड़ी ठीक करते, देखते क्या प्रॉब्लम है एंड उसको जल्दी से फिक्स करते हैं एंड फिर उसको गाड़ी देते हैं। लेट्स गो। 2 hours later. ओके यार, काफी देर लग गई भाई इसकी प्रॉब्लम फिक्स करने में। पहले तो मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं समझ आ रही थी, बट हाँ फिर समझ आ गई, फिर हम लोगों ने इसकी प्रॉब्लम फिक्स कर दी। अभी गाड़ी पूरी डन है, अभी भाई ये बंद नहीं होगी बीच बीच में। तो उस बंदे को कॉल करके बुलाते हैं और बोलते हैं कि अपनी मर्सिडीज जी वैगन लेके जा भाई, ठीक हो चुकी है, तो जल्दी से उसको कॉल करते हैं। ओके तो गाइस हम लोगों ने कॉल करके उसको बुला दिया, अभी वो थोड़ी देर में आता होगा और भाई वो जल्दी अपनी कार भी लेके जाए क्योंकि थोड़ी देर में रात होने वाली है। बाकी हाँ अभी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। चलो यार काफी ज्यादा रात हो चुकी है एंड जो वो जी वैगन थी वो बंदा वो लेके गया, और भाई अभी फिलहाल हम भी चलते हैं डायरेक्ट घर पे ये शोरूम को ऑफ करके। तो भाई शोरूम ऑफ करते हैं एंड फिर जल्दी से चलते हैं। ऑफ तो कर दिया शोरूम को एंड गाड़ियां भी लॉक कर दिया, अब जल्दी से भाई चलते अपने घर। A few moments later. तो भाई अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, अब जल्दी से भाई सो जाते हैं। चलो भाई। ओके गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी फिलहाल एक काम करते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं क्या चल रहा है भाई न्यूज़ में, देखते हैं आज। तो सही सुना आपने, हमारे सिटी में घुस चुका है सायरन हेड हल्क बस्टर, तो ये बहुत ही बड़ा है और खतरनाक भी है। ये क्या बता रहे हैं न्यूज़ पे भाई, हमारे सिटी में हल्क बस्टर घुस चुका है, वो भी सायरन हेड हल्क बस्टर। भाई ये कैसा है भाई, हल्क बस्टर तो सुना है बट ये सायरन हेड हल्क बस्टर भाई ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब दोनों का मिक्सचर हो गया है, पता नहीं कहाँ से आया है बट ये अजीब ही है। पीट यार ये फेक तो नहीं है ना न्यूज़? मतलब यार मुझे लग रहा है ये फेक यार,
क्योंकि सायरन हेड हल्क बस्टर भाई कैसे भाई, एक बार मैं चेक करके आता हूँ भाई। मतलब हम लोग देख के आते हैं कि उस लोकेशन पे, मतलब भाई बीच की लोकेशन बता रही थी न्यूज पे, तो और फिलहाल देखते हैं उस लोकेशन में अभी भी फिलहाल वो सायरन हेड हल्क बस्टर है या फिर नहीं। अगर नहीं हुआ तो सीधी सी बात है फेक है, अगर हुआ तो सीधी सी बात है रियल है। तो अभी चेक करके आते हैं, देखते हैं क्या है। तो चलो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं उसी बीच पे। बाकी यार बाय द वे यहाँ पे कोई भी नहीं घूम रहा है यार, मुझे अजीब बात लग रही है। मतलब यहाँ पे तो गाड़ियां आती जाती रहती थी एंड भाई यहाँ पे लोग भी घूमते रहते थे, बट अभी फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। बट क्या छोड़ो, मतलब अभी छोड़ो उसको, अभी हम लोग चेक करने आए कि यहाँ पे सायरन हेड हल्क बस्टर है या फिर नहीं। भाई साफ साफ दिख रहा है नहीं है, और न्यूज पे तो यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है हल्क बस्टर को, बट कहाँ है भाई, यहाँ पे तो है ही नहीं। मतलब सीधा सीधा भाई फेक है भाई। मतलब मैं वही सोच रहा हूँ सायरन हेड हल्क बस्टर, मतलब क्या है, मतलब क्या है क्या यार। एक अजीब बात है कि यहाँ पे कोई भी नहीं घूमने आया, मतलब पूरी शांति लगी पड़ी और भाई यहाँ पे भी आसपास कोई घूम रहा नहीं है। बट हम लोग सिर्फ यहाँ पे चेक करने आए थे कि यहाँ पे सायरन हेड है या फिर नहीं, मतलब सॉरी सायरन हेड हल्क बस्टर है या फिर नहीं। बट फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो सीधा सीधा फेक न्यूज थी। तो बाकी अभी चलते, बट एक सेकेंड ये आवाज भाई पीछे से आ रही है ना, एक बार चेक करते हैं। एक सेकेंड, अबे ये तो सायरन हेड हल्क बस्टर है और भाई ये यहाँ पे कैसे आए, हम लोग यहाँ से तो आए थे, यहाँ पे तो नहीं था और ये अचानक आ गया भाई। और वीडियो यार ये तो सच में है भाई, न्यूज पे भाई यही बता रहे थे, यहाँ पे अभी नहीं दिखा था तो यार मुझे लगा नहीं है भाई फेक होगा, बट नहीं ये तो रियल है भाई। ये तो आ गया भाई, पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझे लग रहा भाई इसके पास अलग अलग पावर्स है काफी ज्यादा। तो भाई ये तो काफी जायंट भी है और खतरनाक भी है यार। एक सेकेंड, ये कहाँ गया भाई, ये उड़ के पता नहीं कहाँ गायब हो गया भाई। एक सेकेंड यार ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड अभी गायब हो गया है ना, तो यहाँ से जल्दी से निकलते भाई, जल्दी से अपनी बाइक लेके यहाँ से निकलते भाई। तो सच में निकला, मेरे को लगा भाई सायरन हेड हल्क बस्टर क्या है भाई, कुछ नहीं होगा, बट यार यहाँ पे तो सच में है भाई। तो अभी बाइक मैंने चालू करके भगा दी है, अब भाई यहाँ से जल्दी से निकलते भाई। वही सोचो यार यहाँ पे आसपास कोई लोग नहीं दिख रहे, मतलब यहाँ पे सायरन हेड हल्क बस्टर देखा गया है तब भी भाई यहाँ पे लोग नहीं घूम रहे। चलो यार हम भी वहां से निकल गए हैं, और भाई एक काम करते हैं अब डायरेक्ट भाई चलते हैं घर पे एंड सोचते हैं भाई इसका क्या करना है, इसको कैसे हराना है भाई। अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके, और वेट यार अभी ये किसकी कॉल आ रही है यार, चेक करते हैं, रुको यार यार देखते हैं किसकी कॉल है। और एक सेकंड यार ये तो शिनचैन की कॉल है, रुको बात करते हैं इससे। बोल शिनचैन। अबे तूने न्यूज़ देखी क्या आज? अबे हाँ यार देखी मैंने। अबे तो भाई तेको फेक नहीं लग रहा, मतलब सायरन हेड हल्क बस्टर हमारे सिटी में बोल रहे हैं यार, तेको फेक नहीं लग रहा? अबे फेक नहीं है भाई, क्योंकि मेरे को भी पहले फेक लग रहा था, तो मैंने भाई चेक करके आया तो वहाँ पे सच में भाई निकला वो सायरन हेड हल्क बस्टर। तो भाई मैं वहाँ से जैसे तैसे करके भागा, बट हाँ वो सच में आ चुका है हमारे सिटी में। अभी देखते हैं इसको कैसे हराते हैं। ओके एक सेकंड, तेरे पास डोरेमोन का नंबर है, तो एक काम करना तू डोरेमोन से पूछ कि हम लोग इसको कैसे हरा सकते हैं सायरन हेड हल्क बस्टर को, एक बार पूछ के देख। अबे यार सही आइडिया दिया है, रुका भी पूछता हूँ। Few moments later. Okay, तो यार मैं काफी देर से यहाँ पे भाई राउंड मारे जा रहा हूँ, अभी तक शिनचैन की कॉल नहीं है। वेट एक सेकंड, किसकी कॉल है? ओ शिनचैन की कॉल आ गई भाई फाइनली, रुको बात करते हैं। आप बोल शिनचैन, कुछ आइडिया दिया डोरेमोन ने? अबे हाँ यार डोरेमोन ने एक सीक्रेट चीट कोड दिया, वो बोल रहा था कि सीक्रेट चीट कोड आज स्टिल में डाल, आज स्टिल में तेको एक टास्क देगा एंड वो टास्क के बाद तेको बता देगा कि उसको कैसे हराना है। ओ भाई क्या बात कर रहा है, फिर डालना जल्दी से आज स्टिल में। अबे यार मैं कैसे डालू भाई, टास्क तो तू ही कर सकता है, तू ही डालना। ठीक है यार भेज जल्दी भेज सीक्रेट चिट कोड। तो चलो यार काफी देर के बाद शिनचैन ने मेरे को सीक्रेट चिट कोड भेज दिया और मैंने डाल भी दिया आज इस में। अभी टिक करते हैं, और फिर टास्क भी आ गया है और लिखा है फिनिश ऑल एनपीसी इन पुलिस स्टेशन विथ ओनली यूज स्टिकी बॉम्ब्स का। और वैसे ये अलग टास्क दिया है, मतलब हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है, तो हम लोगों ने अगर उन पे स्टिकी बॉम्ब डालो तो क्या 3 स्टार लगने वाली है, अभी वो उनपे स्टिकी बॉम्ब लगाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो जल्दी से चलते हैं फिर। हेलो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पुलिस स्टेशन पर। एक सेकंड गाइस, थोड़ा अलग नहीं लग रहा, मतलब पुलिस स्टेशन मतलब कलर भाई लाइट हो गया, कभी डार्क कर देते कभी लाइट कर देते, कभी फिर से डार्क फिर से लाइट, अभी ये लाइट डार्क क्या है भाई, एक ही कलर चूज करो ना। वैसे यार इनकी मर्जी, बट हाँ अभी हमको टास्क मिला है कि हमको यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब्स लगाने ऑल एनपीसी पे जितने भी है यहाँ पे। सबसे पहले इन दो बंदों से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो स्टिकी बॉम्ब में लगा देता हूँ। और वेट, कुछ भी नहीं हुआ भाई स्टिकी बॉम्ब लगाने पे, ये तो कुछ भी नहीं कह रहे भाई। वाह भाई ये हम लोग तो कितने भी लगा सकते हैं। फिर भाई लेट्स गो यार, फिर ये टास्क को तो हम लोग आराम से पार करते हैं, मतलब कम्प्लीट करते हैं। लेट्स गो गाइस, इन तीनों को ना पट्टा से हेडशॉट मारता है। लेट्स गो, अभी देखते हैं अपना एम अच्छा है यहाँ पे नहीं।
पहले ही गलत गया भाई। अभी मैंने हेड पे एम किया था बट गाइस नीचे गिर गया पता नहीं क्यों। गाइस एक और बार ट्राई करते हैं। ये हम लोगों ने फेंका। अबे यार लग रहा क्यों ये, रुको। ओ लग गया भाई अभी पट्टा साइड छोड़ बाकी। चलो भाई इस पे भी ट्राई करते हैं, इस पे पहली बार में हो जाएगा। ये बात भाई अपना एम देख रहे हो ना, मारो मुझे। तो चलो भाई अभी ये की बना बाकी। भाई एक सेकंड इसके अंदर तो जा रही नहीं है भाई, इन सारों पे तो लग चुका है बट गाइस उस पे कैसे लगाए हम लोग बट क्या छोड़ो। उस एक बंदे को हम लोग सिर्फ स्नाइपर से लपेट देते हैं। लेट्स गो, हम लोगों ने स्नाइपर चले दो फिट ही एक स्टार लग गया भाई। रुको गाइस बट एक सेकंड, हम लोगों ने तो इन पे भाई स्टिकी बॉम्ब लगाए बट एक सेकंड ही तो पास में आ रहे भाई, क्योंकि यार इनको ब्लास्ट करूंगा ना तो भाई हमको भी डैमेज पड़ जाएगा। रुको गाइस अभी एक्टिवेट करते हैं 3, 2, 1 एंड लेट्स गो गाइस। हम लोगों ने ब्लास्ट कर दिया और भाई ये तो भाई पूरे पीछे लगे थे और यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। एक सेकंड वो तो गायब भी हो गया भाई बंदे डायरेक्ट। वो एक सेकंड वो बंदा तो अभी कह रहा है मतलब एक सेकंड वो तो उछल ही गया डायरेक्ट। गाइस अभी फिलहाल शायद हमारा टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब अभी हम लोगों ने एक बंदे को तो सिर्फ स्नाइपर से लपेटा है। एक बंदा तो चलता है यार, देखते हैं अभी टास्क कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। अभी तो पूरा खाली हो चुका है अंदर, तो अभी चलते हैं फटाफट से यहाँ से निकलते। बट एक स्टार लगी हुई है गाइस एक सेकेंड। अब यार इनको भी एस्केप करना पड़ेगा क्या, बट कोई ना इनके लिए भी मेरे पास एक बहुत तगड़ा आइडिया है। गाइस इनको ना हम लोगों ने इनकी गाड़ियों से निकाल दिया है और इसी के साथ एक स्टार भी हट चुका है। तो देख रहे हो ना तुम्हारे भाई का आइडिया का कमाल। तो चलो यार टास्क भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया और एस्केप भी कर लिया है। अब देखते हैं आज इस टूर का भी कौन सा मैसेज आया है। ओ वेट एक सेकेंड, फाइंड दिस। और एक सेकेंड ये क्या है, ये ब्लू कलर की स्टिक, मतलब ये क्या है क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। बट हाँ हमको इसको फाइंड करना है, पता नहीं भाई इससे हम लोग उसको कैसे हराएंगे हल्क बस्टर को। बट ठीक है ये पड़ा है भाई एयरपोर्ट की जो न्यू बिल्डिंग है ना उसके टावर के ऊपर, एंड वहां पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो गाइस अपने को हेलीकॉप्टर चाहिए होगा वहां पे जाने के लिए। तो यार सबसे पहले मेरे को कंस्ट्रक्शन साइट जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे पड़ा रहता है हेलीकॉप्टर। तो चलते फटाफट से। A few moments later. तो चलो यार अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं हेलीकॉप्टर पड़ा है। लेट्स गो। अच्छा हुआ पड़ा है वरना कभी कभी ने नहीं पड़ा रहता है। बाकी चलो खैर अभी फिलहाल जल्दी से इसको लेके चलते हैं अपनी एयरपोर्ट वाले टावर वाली बिल्डिंग पे ऊपर, एंड वहां से हम लोग वो जो ब्लू कलर की स्टिक है उसको कलेक्ट करते हैं। पता नहीं भाई क्या है, उससे क्या यूज होने वाले उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं। अगर यहाँ उसको कलेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ यूज तो उसका करना ही होगा। बाकी चलते फटाफट से। 20 minutes later. तो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं उसी एयरपोर्ट वाले टावर वाली बिल्डिंग के ऊपर। बस इसको अच्छे से हमको यहाँ पे लैंड करवाना है, तो अच्छे से लैंड हो जाए तो अच्छा है। बाकी इसको धीरे धीरे करके नीचे उतारते हैं एंड फिर वो ब्लू स्टिक कलेक्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो हमको ब्लू स्टिक मिल चुकी है, जल्दी से इसको कर लेते हैं कलेक्ट। गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट कर दिए वो ब्लू स्टिक। अभी फिलहाल उसका यूज क्या है वो तो अभी पता नहीं। अभी फिलहाल आगे और क्या क्या चीज ढूंढनी है, अभी उसका एड्रेस जो मेरे को भेज देगा और क्या क्या चीज ढूंढनी है। बट उससे पहले ना मैं ये हेलीकॉप्टर ना उसी जगह पे रख के आता हूँ जहाँ पे पड़ा है, और वहां से अपनी वो बाइक लेके आते हैं। तो ओके गाइस अभी हम लोग अपनी बाइक लेके आ चुके हैं कंस्ट्रक्शन साइट से। बाकी एक सेकेंड अभी टिंग आवाज आई, शायद तो अभी किसका मैसेज है। वेट आज इस टूर का ही मैसेज होगा। वेट गाइस सर आज इस टूर का ही मैसेज है और लिखा है फाइंड दिस। और वेट भाई यहाँ पे तो गॉडज़िला का आउटफिट है और यहाँ पे नीचे केमिकल पड़ा है भाई, ये दोनों को अपने को फाइंड करना है और ये एक ही लोकेशन पे पड़े हैं। और वेट यार इनके पीछे एक जाली लगी हुई है और बैकग्राउंड में ना गाइस एक ब्लू कलर का ना कंटेनर दिख रहा है। तो फिलहाल ये लोकेशन, एक सेकेंड ये यार हमारे घर के पास भी रैंप है और उसमें काफी ज्यादा ब्लू कंटेनर्स लगे हुए हैं देख ही सकते हो। तो फिलहाल कहीं इस रैंप के फाइनल पॉइंट पे तो नहीं पड़े ना, हो सकता है गाइस एक बार चेक करके आते हैं। तो चलते फटाफट से। और यार उस केमिकल का यूज नहीं पता बट क्या छोड़ो, उसको यूज करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि उसका क्या यूज है। बाकी चलते हैं। आई सर आज हम लोग इस रैंप को पार तो नहीं करने वाले क्योंकि ये रैंप को पार करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, एंड मतलब जो इसका फाइनल पॉइंट है ना वो नीचे ही है। तो फिलहाल हम लोग बिना रैंप के पार किए भी हम लोग इसके फाइनल पॉइंट पे जा सकते हैं। तो फिलहाल चलते फटाफट से देखते हैं कहाँ पे है इसका फाइनल पॉइंट। और वेट रैंप यहाँ पे खत्म हो रहा है, वेट फाइनल पॉइंट हमको मिल चुका है, जल्दी से यहाँ पे चलते हैं और वो कलेक्ट करते हैं दोनों चीजें। ओके गाइस सर हमको मिल चुके हैं ये दोनों चीजें, अभी इन दोनों को कलेक्ट करते हैं और उस केमिकल को यूज करते हैं। तो ओके गाइस अभी हम लोगों ने आउटफिट तो पहन लिया है और फिलहाल केमिकल भी यूज कर लिया है। बट यार एक सेकेंड
ये क्या हो रहा है स्क्रीन पे? हेलो ओविट, वेट है, हमारा कैरेक्टर जायंट बन चुका है, वो भी जायंट गॉडज़िला। मतलब मैं समझ गया, इस केमिकल से ना हम लोग जायंट बन सकते हैं, और जायंट बन चुके हैं। अभी फिलहाल हम लोग आराम से उस सायरन हेड हल्क बस्टर को लपेट सकते हैं। अच्छा तो तू यहाँ पे है? अबे भाई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। और भाई हम लोग फ्रेंडशिप कर लेते हैं, मैं सिटी को कुछ नहीं करूंगा। चल फिर ठीक है।